हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, फातिमा बेबी फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट डेड। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज थी। इसको बोला जाता है वुमेन एम्पावरमेंट, समझे? किसी को अगर वुमेन एम्पावरमेंट करना है तो ये काम करो, ये होता है वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए देखते हैं क्या है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द रिमार्केबल करियर ऑफ जस्टिस एम फातिमा बेबी हु डाइड हेयर एट द एज ऑफ 96 वॉज अ फर्स्ट। तो ये पहली थी, कितनी बड़ी बात है। शी वॉज द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बहुत बड़ी बात है। इन 1950 शी वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट टू कम्प्लीट अ डिग्री इन लॉ विथ फुल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। ये आपको समझ आ रहा है, फुल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, ये इनकी डिग्री का पढ़ाई था। एंड 8 ईयर लेटर लेटर शी इमर्ज इन द फर्स्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंड द जुडिशियल सर्विसेज एज अ मुंसिफ। तो एज अ मुंसिफ इन्होंने ज्वाइन किया था जुडिशियल सर्विसेज को। ईयर लेटर शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ द कंट्रीज इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल की पहली वुमेन मेंबर बनी थी। बिफोर द फर्स्ट मुस्लिम एंटर द हायर जुडिशरी एज अ जज इन केरला हाई कोर्ट इन 1983। तो पहली मुस्लिम वुमेन भी ये बनी थी जो हायर जुडिशरी में एंटर कर रही थी केरला हाई कोर्ट में। डिटरमाइंड टू रिकास्ट द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन जुडिशरी सी देन वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 6 ईयर लेटर। फातिमा बेबी वॉज बॉर्न टू अन्नावेतिल मीरान साहिब एंड खादिजा बेबी ऑफ पठानामातिट्टा इन 1927। ओके, शी वॉज बॉर्न इन 1927। शी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग एट अ कैथोलिकेट हाई स्कूल एंड डिड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो इनकी डिग्री केमिस्ट्री में थी, अंडर ग्रेजुएट की, तिरुवनंतपुरम में। इन लाइन विथ हर फादर्स एस्पिरेशन टू मेक हर लॉयर शी डिड द डिग्री इन लॉ एंड इनरोल्ड एज अ लॉयर इन नवंबर 1950। शी वॉज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम 1997 टू 2001। तो ये गवर्नर भी रह चुकी हैं। एंड दर मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन वॉज टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता विद इन आवर्स ऑफ AIADMK सिक्योरिंग अ मेजोरिटी इन असेंबली इलेक्शन इन मे 2001। जयललिता हैज सफर्ड डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन डेट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ हर कन्विक्शन इन टू टंसी लैंड डील केस। इन सेप्टेम्बर डेट ईयर द सुप्रीम कोर्ट अनसीटेड जयललिता। फातिमा बेबी टेन्योर एंडेड एब्रप्टली इन द कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर द श्वेरिंग इन ऑफ AIADMK लीडर फॉलोइंग द मिड नाइट अरेस्ट ऑफ देन DMK प्रेसिडेंट एम करुणानिधि इन अ करप्शन केस। द सेंटर वॉज डिसप्लीज विद द रिपोर्ट सबमिटेड बाय हर। ये था द हिंदू में। अब चलिए सेम आर्टिकल इनके ऊपर है एक इंडियन एक्सप्रेस में भी, देख लेते हैं। जस्टिस फातिमा बेबी हुज अपॉइंटमेंट इन 1989 एज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज बनी थी कब? 1989 में। एज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सॉरी इंस्पायर्ड वुमेन अक्रॉस द कंट्री टू परस्यू लॉ एज अ प्रोफेशन। डाइड एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन केरलकोलम ऑन थर्सडे शी वॉज 96। एंड आइकन ऑफ जेंडर जस्टिस, देखिए मैं मेरे बोलने से नहीं ना, पूरी दुनिया बोल रही है अभी इनको, आइकन ऑफ जेंडर जस्टिस। शी ऑल्सो सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन सेड हर लाइफ वॉज अ रिमार्केबल चैप्टर ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट इन द स्टेट एंड दैट शी हैड द यूनिक स्ट्रेंथ टू ओवरकम ऑल हर्डल्स। बॉर्न इन पठानमित्ता इन 1927 शी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 8 चिल्ड्रेन। तो ये आठ, उसमें आठ बच्चे थे, आठ भाई बहन थे इनके, और उसमें ये सबसे बड़ी थी, ठीक है। गवर्नमेंट इनके जो पिताजी थे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे विद रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। होल हार्टेडली सपोर्टेड एंड इंकरेज द एजुकेशनल एस्पिरेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली हिज 6th डॉटर एट अ टाइम व्हेन मुस्लिम गर्ल
shied away from higher education. She studied at a Catholicate school and जहाँ पे ये पैदा हुई थी पथानमिता, वहीं पे इनका कैथोलिकेट स्कूल में इन्होंने अपना पढ़ाई की. इन 1947 कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री फ्रॉम वुमेन्स कॉलेज. तो वुमेन्स कॉलेज से इन्होंने केमिस्ट्री की डिग्री ली एंड स्टडीड लॉ एट अ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इन तिरुवनंतपुरम. तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में तिरुवनंतपुरम में इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी. आफ्टर बेबी ग्रेजुएटेड इन केमिस्ट्री इट वॉज साहिब हु परसुएटेड हर डॉटर टू गो फॉर अ लॉ कोर्स. तो इनके पिताजी ने इनको बताया कि लॉ करिए, तो इन्होंने लॉ किया. हर ड्रीम वॉज अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री. इनका ड्रीम था केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करना. बट साहिब वॉज इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी ऑफ अन्ना चैंडी, फर्स्ट वुमेन जस्टिस जुडिशियल ऑफिसर इन इन द देन अर्स्टवाइल ट्रेवनकोर स्टेट. तो उस समय जो अन्ना चैंडी थी वो पहली जुडिशियल वुमेन थी जो ट्रेवनकोर में थी. साहिब had then said that the post graduation in chemistry would get her into a teaching career but no, would help her climb up the ladder. to inke pitaji ne inko guide kiya, bataya bhai aap chemistry karke to teaching karoge, law kariye aap bahut logo ki madad kar paoge. just a second. after getting into law she made history at in every level. her level pe unhone history banaya. In 1950, Baby became the first woman law graduate to get the gold medal from the Bar Council. Bar Council से इनको gold medal मिला. She then enrolled as a junior advocate in Kollam District Court. A woman in a headscarf in a court had irked orthodox elements in society. But Belvy went to break the glass ceiling. Glass ceiling sociological term है, जिसमें imagine करिए, ये एक lady है. ये सोच रहे हैं कि हमें ऊपर जाना है, ठीक है, ये टॉप पोजीशन है, इनको दिख रहा है ये टॉप पोजीशन, पर यहाँ दिखने में और जाने में यहाँ पे ग्लास की सीलिंग है, तो ये ऊपर जा नहीं पा रही है. तो यही है कि ये देख तो सकती हैं, सोच भी सकती हैं, मेहनत भी कर रही हैं, पर ये ऊपर जा नहीं पा रही हैं क्योंकि इनके बीच में एक ये ग्लास की सीलिंग है. तो यही चीज़ बोला जा रहा है, बेबी जी ने ये अपना ग्लास सीलिंग को ब्रेक किया था, तोड़ा था, और ये उस पोजिशन पर गई थी. 8 years on, she joined the judicial services as a munsif and then became the district session judge in 1974. Baby was appointed as a judge of Kerala High Court in 1983 and was elevated to Supreme Court in 1989, where she had an illustrious career till her retirement in 1992. During her time in the top court, she was part of a bench and heard a case pertaining to certain provision of the Karnataka Scheduled Caste and Scheduled Tribe Reservation of Appointment Act in 1991. In the verdict, she upheld the constitutional safeguard against the arbitrary state authority, saying, "It is one of the fundamental rules of the constitutional setup that every citizen is protected against exercise of arbitrary authority by a state or its officers." If there is power to decide and determine to prejudice of a person, duty to act judicially is implicit in the exercise of such power, and the rule natural justice operates in area not covered by law validly made. After retiring from a Supreme Court, she served as a member of National Human Rights Commission until 1997, and then as a governor of Tamil Nadu. As governor, she had made news for her handling of the mercy pleas of those convicted in Rajiv Gandhi assassination case after the Supreme Court confirmed the death sentence awarded to Nalini and Murugan. तब देखिए इसमें यही चीज था. अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और क्या होता है ना, कुछ चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होती है, पर वो इम्पोर्टेंट इसलिए होती है कि आपके एग्जाम निकले तो तब आप कुछ करो और सही दिशा में काम करो. तो इस सिंपल सी बात, ये जस्टिस फातिमा बेबी 1927 टू 2023, ये कौन थी? फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज जो फीमेल थी, वुमेन. तो आप इसको कहीं भी कोट कर सकते हो. ये है आपका वुमेन एम्पावरमेंट, ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट है. और इनकी जो जो पढ़ाई, आप देखिए इनका सपना कितना क्या था, कुछ और था कि हमें
केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, करती टीचर बनती, लोगों को पढ़ाती, शायद हम इनको नहीं जानते। पर इनके पिताजी ने इनको गाइड किया, इनको बताया कि भाई आप जज की पढ़ाई पढ़ो, आप आगे लोगों तक पहुंच पाओगे, मदद कर पाओगे, आपका पोटेंशियल ज़्यादा है। इनके पिताजी ने किसको देखा था? अब देखिए, हमने यहाँ पे देखा अन्ना चंडी को, जो उस समय पहली वुमेन थी ट्रेवनकोर स्टेट में, जो जुडिशियल सर्विसेज में थी। क्या वो आगे नहीं जा सकती थी सुप्रीम कोर्ट में? जा सकती थी, पर उनको देख के जो इंस्पायर हुआ वो आगे गया। इनके पिताजी ने इनको सपोर्ट किया। आजकल की लड़कियों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? सब लोग कर रहे हैं, घर के भाई बहन माँ बाप सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और सेम चीज़ लड़कों के साथ भी। पर क्या होता है ना, कई बार एक ही चीज़ होती है, मेहनत, जो दिखा देती है कि इंसान को कहाँ जाना है और वो कहाँ जा सकता है और कहाँ पे रुक जाता है। बस मेहनत है, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत मेहनत किया। जो भी अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या बिजनेस में है या किसी भी फील्ड में, उसको ये चीज़ समझना चाहिए कि भाई मेहनत सबसे ऊपर है, मेहनत करोगे तो कुछ भी होगा। आप देखो, इन्होंने हर लेवल पे रिकॉर्ड तोड़ा है। गोल्ड मेडल इनको मिला है, कहाँ से गोल्ड मेडल मिला है इनको? बार काउंसिल से। और ये आजकल की लड़कियां समझ नहीं पाएंगी, क्योंकि आजकल सारी फैसिलिटी है। ये जिस समय की थी ना, उस समय सही में डिस्क्रिमिनेशन होता था। ये चीज सही है क्या, कि हमारी जो जनरेशन है हम लोग समझ नहीं पाते, उस समय डिस्क्रिमिनेशन है। आप लोग कभी अपने बैठिए माता पिता के साथ, पूछिए कि आप लोग कैसे रहे हैं। उस समय लड़का लड़की में सही में भेदभाव होता था, आज नहीं है, तो लोग समझ नहीं पाते। लोग किस लिए लड़ते हैं? हमें पार्टी करने जाना है, हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं, हमें यहाँ घूमना है। बिल्कुल करो, कुछ गलत नहीं है, आपको जो करना है करो, पर काम भी तो करो। मैं ये नहीं कह रहा वो सब चीज़ें गलत है, पर पहले खुद तो सेटल रहो, ये काम करना जरूरी है। तो ये जस्टिस फातिमा बेबी जी जो है, ये कुछ नहीं है, ये एक आइडल है, इंस्पिरेशन है। इनको तो अब सही में अच्छे तरीके से सारी गर्ल्स को और बॉयज़ को, सबको पढ़ाना चाहिए कि भाई देखो लोग कितना मेहनत करके आगे पहुँचे, और आपको भी करना है। तो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।